आदमी पैसे से ज्यादा इज्जत का तलबगार होता है, इज्जत नफ्स हर एक को महबूब। एक आपको अपने घर का वाक्य सुना, जब ये ट्रैक्टर का दौर नहीं था, 59 में हमारे वाले साहब सबसे पहले ट्रैक्टर लेकर आए थे उस पूरे हमारे इलाके में। उससे पहले बैल होते थे। इज्जत नफ्स पे याद आ गया कि इज्जत नफ्स माल से भी ज़्यादा महबूब होती। एक हमारे बैल ने चारा खाना छोड़ दिया, ठीक ठाक बैल, तो हमारे वाले साहब ने डॉक्टर बुलवाया, उसने वो टीका वीका लगाया, लेकिन उसने फिर भी नहीं खाया। तो एक हमारी बरादरी का देसी हकीम था, उसके पास उस ज़माने में रास्ते होते नहीं थे, तो वाले साहब ने घोड़े पर नौकर को भेजा जो उसको उठा के लाया। उसने बैल को देखा, कहने का मियाँ साहब इसको पट्ठे कौन डालता है चारा? कही ये है हमारा कसाई दित्तू कसाई, अल्लाह दिता नाम था दित्तू, क्या कहते हैं दित्तू कसाई। ओए अरे, उसको बैल के आगे बिठाया और जूता उतारा और 5 साल जूते उसके सर में मारे। फिर कहने का आप चारा डालो, जब चारा डाला तो वो बैल खाने लगे। ये मेरे घर का वाक्य है, कोई सुना सुनाया नहीं। तो मेरे वाले साहब हैरान होकर कहने लगे, एक ही वह कभी मैंने इसको चेक कर लिया था, इसको कुछ नहीं था, ये आपके नौकर ने इसको कहीं कोई डंडा सोटा मारा है। तो वो गुस्सा कर गया था कि मैं इससे कैसे बदला दूँ, तो उसने गुस्से में खाना छोड़ दिया कि मेरी इज्जत को इसने खराब किया। अब उसकी आंखों के सामने 2-4 जूते मैंने मारे तो वो खुश हो गया। देखो इज्जत की तलब कोई नाजायज़ नहीं है, ये इंसानी ज़रूरत। माल की तलब नाजायज़ नहीं है, इंसानी ज़रूरत। हाँ उसके हदूद हैं, उसके अंदर तो ज़रूरत है, उसके बाहर फिर कहीं तकब्बुर बन जाता है, कहीं जुल्म बन जाता है, कहीं ज़्यादती है। हदूद के अंदर एक हदीस सुना देता हूँ, इस मुसलमान को इज्जत देना कितना ज़रूरी है। मेरे नबी ने फरमाया, 1 रुपया सूद खाना 36 दफ़ा ज़िना करने पे बराबर। 1 रुपये यानी 1 पाउंड, 1 पाउंड सूद खाना 36 दफ़ा ज़िना करने के बराबर थे। इसके बाद आपने फरमाया, और तुम्हें बताऊँ सबसे बड़ा सूद क्या है? जब 1 पाउंड का सूद 36 दफ़ा ज़िना के बराबर है, तो आपने फरमाया, तुम्हें बताऊँ सबसे बड़ा सूद क्या है? अल इस्तिताला तो फी उर्द अल मुस्लिम, मुसलमान को बेइज्जत करना सबसे बड़ा सूद। तो नौकर आपको प्रोटोकॉल देंगे, खुशी होगी, जन्नत से बढ़ के खुशी होगी। तो नौकर चले जाएंगे, फिर अल्लाह का इशारा होगा, टक 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 दरवाजे खुलेंगे, तो फरिश्ते आएंगे, वल मलाइका यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब। अब ये करोड़ों की तादाद में आएंगे, कहेंगे सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम, चारों तरफ से जब सलाम ठोकेंगे, कहेंगे भाई तुम नूरानी मखलूक हमें सलाम क्यों कर रहे हो? कहेंगे बीमार सफ़र, वो जो आपने लंदन में सबर की ज़िंदगी गुजारी, ये उसके बदले में हमें अल्लाह ने कहा जाओ सलाम। गफलत के देश में आपने बेदार होकर ज़िंदगी गुजारी, अंधेर नगरी में आपने अल्लाह को सामने रख के ज़िंदगी गुजारी। जब चारों तरफ शराब शराब और जिना आम था, आपने अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारी। सलाम सलाम सलाम, तो फरिश्तों के सलाम उनको हवा में उड़ा देख। ये मैं पहले दोबारा कह रहा हूँ कि इज्जत नफ्स, इज्जत की तलब बहुत बड़ी तलब होती है, माल से भी ज़्यादा, डिग्रियों से भी। तो फरिश्तों का सलाम उन्हें हवा में उड़ा, फरिश्ते फरिश्ते अभी वो उस सलाम का मज़ा ले रहे होंगे कि फरिश्तों ने सलाम। और आइडियल होम बता रहे हैं, आइडियल, तो एकदम मेरे रब का अर्श ऐसे खुलेगा, एकदम नूर ही नूर छा जाएगा। जब ऐसे आंखें उठाकर देखेंगे
अल्लाह सामने हो और अल्लाह कहेगा सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है। और प्रोटोकॉल की आखिरी हद, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, रब रहीम, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियो, जिन्होंने दुनिया में मुझसे डर के ज़िंदगी गुजारी, मैं तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता हूँ और तुम्हें मरहबा कहता हूँ, तुम्हें वेलकम करता हूँ। फिर मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह हर एक का नाम लेकर हाल पूछे, हर मर्द औरत का नाम लेगा, नाम नाम लेकर गए, क्या हाल है, ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई हाजत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। तो जब ये अल्लाह को देखेंगे, कहेंगे या अल्लाह, हम तो तेरी इबादत ही ना कर सकते, हमें तो पता ही नहीं था तू ऐसे हुस्न जमाल वाला है, क्या ये हो सकता है कि हम तुझे एक सजदा करें जैसे लंदन में करते थे, ये वही कह सकेंगे जो नमाज पढ़ते थे, जो नहीं पढ़ते वो कैसे कह सकेंगे, क्या ये हो सकता है कि हम तुम्हें एक सजदा करें जैसे दुनिया में करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदो, अब पोजीशन बदल चुकी हो, हैसियत बदल चुकी, हैसियत पोजीशन, या लबो कैसे कर, दुनिया में तुम बंदे थे और मैं तुम्हारा मालिक था, तुम नौकर थे और मैं मालिक था, ठीक, तुम एम्प्लॉय थे तुम्हारी जुबान, तुम मेरे मुलाजिम थे और मैं तुम्हारा मालिक था, तो तुम्हारे ज़िम्मे मेरी मांग के चलना, मेरी इबादत करना, नमाजें पढ़ना, रोज़े रखना तुम्हारे ज़िम्मे था, अब जन्नत में आके हैसियत बदल गई है, अब तुम मेहमान हो और मैं तुम्हारा मेज़बान, क्या होस्ट कहते हैं मेज़बान को, तो अब तुम मेरे लिए मेहमान हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और मेहमान को तकलीफ़ नहीं दी जाती, मेहमान को बिठा के खिलाया जाता है, जाओ कुलू वश्रबो, खाओ पियो, हनीया, हनीया का क्या मतलब है, खाओ, हर लुकमे की लज्जत पहले से ज़्यादा पाओ, खाओ, खाने के बाद पखाना कोई नहीं, पियो, हर घोंट की लज्जत पहले से ज़्यादा पाओ, पियो, पीने के बाद पेशाब कोई, बीमारी कोई, तो पीने पिलाने की भी तीन महफिलें कुरान ने बताई, कहा यहाँ शराब ना पियो, आपके यहाँ आम है, इसलिए हर दफ़ा मैं बताता हूँ कि अल्लाह करे आगे वाला, आगे वाली सोच दिल दिमाग पे छाई रहे कि यहाँ मेरा रब हर उस चीज़ से रोकता है जो इंसानी वक़ार को ख़त्म करने वाली और इंसानियत पे दाव, तो यहाँ कहता शराब ना पियो, आगे क्या होगा, कवान तुम्हें तीन मजलिसें देखने को मिलेंगी, तीन, एक कौन सी है, इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन काना मिज़ाजुहा काफूरा, वहाँ देखोगे नेक बंदे बंदियाँ खुद अपने हाथों से डाल के पी रहे होंगे, ये जन्नत का सबसे छोटा दर्जा है, कैसे डालेंगे पिएंगे, एक दर्जा उससे ऊपर है VIP, वहाँ क्या है, वो यस्कौना फीहा कासन काना मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, वहाँ उनको खुदाम पिला रहे होंगे, सर्वेंट्स, नौकर, फरिश्ते, नौकर डाल के पेश करें और सामने हाजिर करें, ये लीज। एक VVIPs होगा सबसे ऊपर का दर्जा, वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा बस सफ़ाहम रब्बहुम शराबन तहूरा, और वहाँ अल्लाह खुद पिला रहा, अल्लाह खुद पिला